हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज की सुबह हो रही है यहाँ से, नए घर से। वैसे डेली होती है पर ब्लॉग कभी स्टार्ट ही नहीं किया। अगर ये लास्ट वाला ब्लॉग, जैसे अभी अभी टाइम क्या हो रहा है, 7:11, तो अभी हो रहा है 7:11। अभी ठंड बहुत भयंकर लग रही है क्योंकि टाइम अभी ज़्यादा नहीं हुआ है और चाय वाय पीने का मन कर रहा मेरा तो। मन कर रहा है, टेंशन नहीं लगेगा। निकले क्या, घर क्या करे? सर जी सोए हुए। हाँ, हमारे बंटी सर सोए हुए। बंटी सर को ऐसा है कि हमको रोज बिस्तर लगा के देना पड़ता है, बिस्तर उठा के देना पड़ता है, वरना मारते हमको। बड़े सर जी, बहुत देर से हम नल का वेट कर रहे थे। देखो ये वाला नल के पाइप लगा रखे हैं। सरकारी क्या है? सरकारी है ना? सरकारी। वेट कर करके थक गए, अभी तक आया ही नहीं। ठंड बहुत ज्यादा लग रही है और पानी भर के बिना भरे जा नहीं सकते क्योंकि पानी पीना तो हमको ही पड़ता है। और अपने सर का क्या हुआ, उठेगी नहीं? बंटी सर को देखते उठा के नहीं उठा। चलो भाई सर, क्या सोए हैं जी? 12 बज गए। चलो चलो चाय वाय पियो सर जी। अरे सर वहां था इनका कुर्सी के नीचे, फिर यहाँ पे था और हम लोग यहाँ पे थे। रखते मिस्टर जमाते हैं। सो अभी सुबह सुबह हमको काम मिल गया है, मुझे और मेरे जीजू को। हम लोग जा रहे हैं हमारे खेत तरफ। पहले पापा जाते थे पर अभी हमको जाना पड़ेगा। कुछ मक्का वक्का लाना है शायद, तो अभी निकल रहे हैं मैं और जीजू। करते हैं आगे वहाँ पहुँच के बात। बकरियां डोगी भाई साहब है। और भाई साहब क्या हाल है? तो हम पहुंच चुके हैं जहाँ हमारे साझेदार था उसके घर के आसपास ही है। और गांव के घर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कैसे रहते हैं। प्रॉपर गांव के गांव ऐसे रहते हैं और ये हमारे साझेदार खेत वाले। और घर देखो ऐसे रहते हैं, ये गांव के घर। हाँ, ये बड़ा वाला घर। तो अपने गांव में भी अब ऐसे घर नहीं रहते ना, अपने सब पक्के मकान बन गए हो गए ना अभी। तो अभी ये जैसे कि एकदम गांव हो जहाँ खेतों के आसपास, वहाँ ऐसे घर मिलते अब। गांव का भ्रमण करते हुए हम लोग एक नदी के पास पहुंचे हैं और ये नदी क्रॉस करते हुए। तो हम अभी यहाँ खेत में देखने आए थे, हमारे बहुत दिन से, मतलब पहले पापा ही करते थे तो वो देखते थे, अब हम आए देखने जीजू और मैं हमारी धंधों। और ये इनका घर है, ये वाला 12:30। ये तो ये वाला घर किसका है? ये वाला अभय सिंह सोलंकी। और ये घर है आपका? ये मत डाले रे, वो वाला घर छत वाला डालना, बाद में रिकॉर्डिंग कर लेना। मैं रख तो लूं। मोबाइल कितने का लिया रही? तो हम लोग जो हमारा साझेदार है ना, मतलब साझेदार मतलब आप लोग समझोगे नहीं क्योंकि ये यहाँ की लैंग्वेज है, वहाँ पता नहीं आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं। साझेदार मतलब ऐसा होता है कि जैसे कि एक खेत हमने लिया है और उस खेत में हम लोग किसी किसान की हेल्प ले रहे हैं, वो काम करेगा, मतलब कि खेती वो करता है और उसकी जो फसल होती है वो आधी आधी होती है, मतलब खेत वाले की और जो किसानी कर रहा है उसकी। तो वो उसी के यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं और हमको ज़रूरत थी मक्के की, तो वहाँ से हम मक्का लेने के लिए आए यहाँ से। और अभी भाई और बंटी आ रहे हैं एक गाड़ी लेके, एक गाड़ी तो ये रही ये वाली, इसमें आधा ले जाएंगे और आधा भाई लेके आ रहा है गाड़ी, उसमें ले जाएंगे। और जो खेत है वो इधर पीछे है इस साइड पे। खेत वगैरह देख लिया मैंने और अभी हम जा रहे हैं वापस से, मतलब ये भाई का वेट कर रहे थे और जैसे ही भाई आ जाता है फिर हम लोग मक्के वगैरह बोरी में डाल के ले जाएंगे क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ने वाली है उसकी, जो भी कार्यक्रम होगा ना उसमें ज़रूरत पड़ेगी मक्के की बहुत ज़्यादा, बस इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मतलब ये सब हमको देखना नहीं पड़ता था क्योंकि पहले पापा ही ये सब कुछ देखते थे और हम लोग तो पढ़ाई वगैरह स्टडी में ध्यान देते थे और बाकी फिर मैंने बीच में यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था तो इस पे ध्यान देने लग गया था मैं। बट अभी नहीं है तो फिर हमको ही करना पड़ेगा और जिम्मेदारी आ चुकी है इस चीज़ की, तो देख रहे हम लोग धीरे धीरे। ये आ गए भाई लोग, चलो। तो ये है साझेदार, हमारे साझेदार का घर। साझेदार मतलब आपको मैंने बता दिया है,
यहाँ से मक्का लेके जाएंगे अब हम लोग। आपको एकदम प्रॉपर गांव के घर दिखाता हूँ, देखो। And I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I. कल पुराना हो गया घर। ज़्यादा साल नहीं होगा। 30-40 साल होगा। 30-40 साल क्या होता है? ये देखो पुरानी टेबल। सो बंटी और मैं चढ़े हुए हैं छत पर। मतलब गांव में जो घर रहते हैं उनकी छत देखो कैसी रहती है। पत्रे की। ये देखो। और इसी में ये मक्के सुखाए हुए, तो मक्के हमने भर भर के नीचे दे दिए। अब बोरियों में भर के हम लोग घर ले जाएंगे। चलो भाई साहब उतरते हैं। और ये उतरने की जगह, ये छत है गांव में, देख लो कैसी है। और वो नीचे उसे पकड़ पकड़ के उतरना पड़ेगा भैया। ये सीढ़ी भरते अब ये दो बोरी भर के अब ले जा रहे मक्का, गाड़ी पे रख के ले जाएंगे। इतना है, कितना होगा ये? 50-50 होगा। आ गए हम लोग घर, अब उतारते फटाफट और इसको रखते हैं। तो मक्खियां रख दिया। रियांश को देखो, क्या बोल, क्या बोल रियांश भा? फूफा, पापा जी बहुत देर से चिल्ला रहा था, हाथ में ला लिया। क्या कर रहे, खाना कर रहे? ले आ मक्के दो बोरी। हेलो, मतलब बोरी तो एक ही है पर क्या बोरी दो है पर है एक कुंटल। अभी ये मक्के वक्के में से कचरा निकाल रहे हैं घर के ठीक सामने। तो ये छत पे मम्मी, कितनी है ये मिर्ची? 5 किलो मिर्ची कल लेके आए ना। तो ये सुखा रहे अभी, क्योंकि कार्यक्रम आ रहा तो इसमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको सब पीसेंगे अभी मिर्चियों को। और एक साइड में इधर ये जो आज मक्के लेके आए, देखो ये गीले निकले तो इनको थोड़ा सुखाना पड़ेगा तभी पिसाएंगे। ये धूप भी बहुत ख़तरनाक है। अभी छत पे आए थे हम लोग मक्का सुखाने के लिए। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ और रियान देखो मेरे को बार बार ला के तुअर दे रहा है। तुअर लदे, तुअर यानी अरहर, ला 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 ला। वहाँ ये अंजू के साथ बैठ के खा रहे हैं और मेरे को लाला के दे रहा है। यहाँ गाड़ी पे बैठा हुआ हूँ मैं। तुअर ये हमारे यहाँ सामने लगी हुई है, दिखाई थी मैंने कई बार, ये लगी हुई है। तो वही हम बैठ के खा रहे थे और ये पता नहीं रियांश को अचानक क्या सूझा, मेरे को एक एक ला के रख के दे रहा है बार 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 बार। रियांश बाबा क्या चल रहा, मुँह तो पूरा खराब कर लिया मसाले यार। अब इसको पीसेंगे अपन। लगा ये 5 किलो। तो ये मसाले लेके आए हैं, कितने हैं ये? 1 किलो। 1 किलो, 1 किलो मसाला। और ये छाटी कुटाई, बाद में मिक्सर में पीसे। ये नहीं पीसते, ये इधर क्या चल रहा? मूंगफली। अंशु और अंशु के पिता से दोनों मूंगफली वाले, ऐसे कूट के साबुत डालो खाने में। बंटी भी आ बोल दो, बोल दो मम्मी इनको, बोल दो मत खाओ रे। अंशु के मूंगफली खा रहे ये लोग, तो इनको बोल रहा है कि मम्मी इनको बोल दो मत खाए। देसी जुगाड़, छेद हो गया इसमें। वो था ना फुकने वाला, वो वहां से एमसील लिया था, वहां पड़ा हुआ।
कहाँ रखा हुआ है? टीवी वाले के वहाँ टेबल के वहाँ तो कर रहा था नहीं तो कैसा लगा आज का ये व्लॉग कमेंट करके जरूर बताना। और हम व्लॉग का एंड कर देते हैं क्योंकि आज ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाया, फिर भी बहुत सारा कर दिया था मैंने वहाँ बाहर गया था ना तो वहाँ का व्लॉग कर दिया था बहुत सारा। और लियान देखो झूले पे बैठा है, ये दूल्हा दूल्हा है, दूल्हा दूल्हा है। इधर मम्मी भी बैठी हुई है, टी वी देख रहे थे सब लोग इधर। लियान बाई कल दे जा रहे हैं, बाई बाई जाओ जाओ ठीक है बाय जाओ बोल रहा है आवाज़ बोल रहा है।